नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, अगर हम आपसे ये पूछें कि आपकी सबसे ज्यादा पीसफुल जगह कहाँ है, यानी कि आपको सबसे ज्यादा शांति कहाँ मिलती है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हमारे घर में। यकीनन ये बात 100% यानी कि 100% सही है। और उसी घर को सजाने के लिए ना जाने हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कितनी सारी बाजार जाके डेकोर के सामान लाते हैं, ट्रेंड में जो होम डेकोर के सामान होते हैं वो लाते हैं, बल्कि आजकल तो लोग इंटीरियर कराना ज्यादा पसंद करते हैं। ओवरऑल बात यह है कि सुंदर साफ घर सबको अच्छा लगता है, ताकि जब ऑफिस से थक हार कर कोई आए तो उसे शांति मिले। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में हम होम डेकोर के लिए कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो हमारे घर में कलह कलेश की वजह बन सकती है, यानी कि जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ला सकती है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको वो 5 चीजें बताते हैं जिसे आपको घर में कभी नहीं सजाना चाहिए, ना ही बाजार से खरीदना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हमें किसी भी जंगली जानवर या पक्षी की फोटो, शोपीस या पिक्चर लगाने से बचना चाहिए। ऐसे इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप इस तरह की तस्वीर या शोपीस घर में रखते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, यानी कि आपका बिहेवियर गुस्सेल हो जाता है, जिसके कारण परिवार में मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। इसीलिए इस तरह की पिक्चर्स घर में और ऑफिसेस में लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पे, यानी कि बिल्कुल घर के सामने कांटेदार पेड़ या कांटेदार बेल नहीं लगानी चाहिए, या बेल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम मुख्य द्वार पर ऐसी चीजें लगाते हैं तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इसे वास्तु दोष भी माना गया है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि अगर इस तरह की चीजें, यानी कि इस तरह के पौधे अगर आप घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपकी बल को, यानी कि आपकी शक्ति को कम करता है, आपके शत्रुओं की संख्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके घर में परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको वॉर रिलेटेड चीजें घर में नहीं लगानी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं महाभारत या रामायण की कुछ तस्वीरें या शोपीस घर में सजाते हैं, जो देखने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तु के हिसाब से इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर इस तरह की चीजें आप होम डेकोर के लिए यूज करते हैं तो ये घर में नेगेटिव एनर्जी तो लाती ही है, साथ ही परिवार में मतभेद पैदा करती है और परिवार में प्यार को पनपने नहीं देती, ऐसा माना गया है। तो कोशिश करें इस तरह की चीजें होम डेकोर के लिए ना लाएं। दोस्तों, इसके अलावा घर में ऐसी भी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिन्हें देखकर आपके अंदर एक उदासी सी छा जाए, यानी कि एक डिप्रेस आपका मूड हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए, घर में बिना फूल या फल के पेड़ के चित्र कभी ना लगाएं, डूबते जहाज या नाव कभी ना लगाएं, तलवार की लड़ाई की तस्वीर कभी ना लगाएं, शिकार के चित्र कभी ना लगाएं, पकड़े गए हाथियों की तस्वीर या फिर दुखी हाथियों की तस्वीर भी कभी ना लगाएं, रोते हुए लोगों की तस्वीर कभी ना लगाएं। इस तरह की चीजें आपका मूड तो डिप्रेस करती ही है, साथ ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी पनपते हैं। दोस्तों, आमतौर पर नटराज की तस्वीर ज्यादातर घरों में आपको मिल जाएगी। ये एक ब्राह्मणीय नृतक के रूप में शिव की छवि होती है। नटराज को महान कला रूप का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इस मूर्ति को विनाश का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि नृत्य रूप वास्तव में एक तांडव नृत्य है जिसका अर्थ है विनाश के लिए नृत्य। इसीलिए ये माना जाता है कि नटराज की फोटो या स्टैचू घर में नहीं लगानी चाहिए। प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल, जी हाँ, बहुत लोगों को पसंद होता है और कई लोग जब आगरा घूमने जाते हैं तो ताजमहल की स्टैचू या उसकी फोटो ले आते हैं और घर में सजाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल की तस्वीर या शोपीस घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक समाधि है। यहाँ पर शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज बेगम की कब्र है। यही कारण है कि अपने घर में ताजमहल की कोई शोपीस या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी चीजें हमारे जीवन पर गंभीर और गहरा और साथ ही नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो इसलिए अगर आप वास्तु पे विश्वास करते हैं तो इस तरह की चीजें आप तुरंत हटा दें। देखिए दोस्तों, कभी जाने अनजाने में हम चीजें तो खरीद लेते हैं लेकिन हमें उनका अर्थ मालूम नहीं होता, लेकिन
जब अर्थ आपको पता लग जाए ना कि ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लाएगी, तो इसको तुरंत हटा दें, तो ये हमारे घर के लिए, हमारे घर के सदस्यों के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर इन 5 चीज़ों में से आपके घर में भी कोई चीज़ है तो उसे तुरंत हटा दें और अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।